बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ में हम निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक का व्यंगात्मक ढंग में स्थिति को बयां करना, जॉर्ज पंचम के नाक का महत्व बताना, पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज कांटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनी देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुँह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहस भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यहाँ आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में रखवा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, शतक लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगमी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोची गए, और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे में लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। उनकी हालात देखकर लाचार कलाकारों की आंखों से आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेड़ चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने आते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है, और इस नाक का दारोमदार आप पर है।
आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसके सिर लटकाकर खबर दी गई, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चूके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई, नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौवस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट ने मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इनसे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामे तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब? ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार की को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हाल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन उस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था।
कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुध के लिए। पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर। जो आज का पाठ समाप्त हुआ, आशा है आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।